पूरी रात ट्रेन में सोते बैठते निकाल देते हैं क्योंकि अब हमने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। रात की करीबन 11 बजे पापा मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आते हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर जाके मैं 2 टिकट ले लेता हूँ, 2 इसलिए क्योंकि एक मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, उसको भी मैं अपने साथ इस यात्रा में लेके जा रहा हूँ। फिर हम दोनों ट्रेन का वेट करने लग जाते हैं क्योंकि ट्रेन आने वाली है हमारी रात की 12:15 बजे। 15 मिनट वेट करने के बाद हमारी ट्रेन आ जाती है। हमने सोचा था आज भी हमें खड़े होकर जाना पड़ेगा ट्रेन में, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा से हमें ट्रेन में जगह मिल जाती है। मेरे दोस्त को मैं ऊपर वाली सीट पर सुला देता हूँ और मैं नीचे वाली सीट पर सो जाता हूँ। फिर रात की 3 बजे हमें भूख लगने लग जाती है, इसलिए जो घर से लड्डू लेकर आए थे हम दोनों मिल बांट के खा लेते हैं। लड्डू खाकर फिर से सो जाते हैं। सुबह की 8:30 बजे हम पहुंच जाते हैं मथुरा। अब हमें मथुरा से वृंदावन जाने के लिए 3 पहिए वाला ऑटो लेना पड़ेगा क्योंकि 3 पहिए वाला ऑटो सस्ता रहता है। फिर टेम्पो के ऊपर हम अपना बैग रख देते हैं और 40 मिनट के सफर में हम पहुंच जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में पहुंचकर एक छोटा सा रूम ढूंढ लेते हैं और जो हम घर से खाना लेकर आए थे वो हम दोनों भाई मिल बांट के खा लेते हैं रूम पर ही। बोलिए जय श्री सीताराम।